स्वागत है आप सबका सन सिटी ऑफ उदयपुर। तो स्वागत है आप सबका नई वीडियो में। आज की वीडियो बस जर्नी होने वाली है और हमारी बस होने वाली है जीक बस की भारत बेंच एसी स्लीपर। तो आपको हमें सब कुछ दिखाएंगे, कैसे इंटीरियर सब कुछ दिखाने वाले हैं, तो बने रहेगा वीडियो में। इससे पहले यदि आप इंस्टाग्राम से तो डिस्प्ले में आईडी शो हो रहा होगा, जाइए फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए। उससे पहले आपको मैं पीछे का व्यू दिखाता हूँ कि कैसा है पीछे का व्यू। यहाँ से भी बहुत सारी बस जाती है। आधे घंटे के बाद है तो चलिए बस आने दें, फिर आपको इंटीरियर और क्या फैसिलिटी मिलता है सब कुछ आपको दिखाने वाला। तो वैसे हमारी आ चुकी है बस। बाकी ये बस से पीछे से देख सकते हैं इंटीरियर कितना अच्छा है। चलिए अंदर चलते हैं, चलिए इंटीरियर दिखाते हैं आपको कैसे। ये हमारे ड्राइवर दादा है, यही चला के बस जी। इंटीरियर को दिखाते कैसा है बस की, क्या ब्लॉगिंग चल रही है। 2x2 और 1 का कॉम्बिनेशन है। बाकी ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत जबरा लग रहा है। ये हमारी सीट है, देख सकते हैं कि सीट में कितना ज़्यादा स्पेस दिया है। बाकी स्क्रीन आप देख सकते हैं, आपको इधर नंबर शो हो रहा होगा सीट। बाकी ओवरऑल सीट की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि बस में कितना ज़्यादा स्पेस दिया है और बस की खूबसूरती भी देख सकते हैं। और बाकी मैं ये सीट की कंफर्ट की बात करूँ तो भाई एक नंबर है। और ये पिल्लो भी देख सकते हैं तो आपको एकदम कंफर्टेबल दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे। आपको वाटर बोतल, फ्री वाईफाई, माउथ फ्रेशनर और मेडिकल किट भी मिल जाएगा। तो अगर आगे कुछ भी मिलता है तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। और बात करो कंफर्टेबल की तो कंफर्ट एक नंबर है। तो भारत बेंच की बस और भारत बेंच की बस है। तो चलिए चलते हैं अंदर और जर्नी की शुरुआत करते हैं। एक चीज़ और दोस्तों, इस जिंक बस में आपको एडेप्टर लेने की ज़रूरत नहीं है, ये चार्जिंग आपका मोबाइल केबल से ही हो जाएगा। ये देख सकते, ये तो ये मेरे को नया लगा और अच्छा भी लगा। बात करूँ जर्नी की उदयपुर से सूरत की, तो हमारा पूरा जर्नी होने वाला है करीबन 10 घंटे 11 मिनट पे। हम करीब 5 बजे बस पकड़े हैं और सुबह में 4 बजे पहुंचा देगी। तो ये पूरा केबिन हमारा 10 घंटे के लिए, आप देख सकते हैं। और इस केबिन बात करूँ इस सीट की तो ये देख सकते हैं बहुत कंफर्टेबल है और बच्चों को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और इस स्पेस की बात करूँ तो भाई 3 जन अट सकते हैं इस स्पेस में। तो एक बार विजिट जरूर कीजिए जिंक बस पे। और ये जो एसी दिया है, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसी दिया है, इसको ऊपर और नीचे कर सकते हो। और ये मोबाइल होल्डर भी दिया आपको, और जैसे जैसे कुछ आता है तो आपको केबिन राइड दिखाते हैं कि कैसा है। और बात करूँ ये बस की कंफर्टेबल की, तो भाई कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा ही है। और इस बस की स्पीड में
90 स्पीड मेंटेन ही की जा रही है, तो टोटल डिस्टेंस हमारा है करीबन 500 किलोमीटर। तो देखते हैं कि रात को कितने बजे हम पहुंचते हैं। चलिए आपको सीधा केबिन राइड दिखाते हैं और एंजॉय कराते हैं। हमारी शाम के टाइम में बस देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। करीब 7 बजे हम थोड़ा वॉशरूम ब्रेक के लिए रुके हैं, तो ये देख सकते हैं। उसके जस्ट बाजू में ये बस है भाई। बस में उतर के ब्लॉगिंग करने में मजा ही कुछ और है। बस रुकती है, उतरो, व्लॉगिंग करो, फिर चलो, बिल्कुल मजा है। तो एक बार आप डिजिटली नहीं, आप खुद आके बस जर्नी करें। व्यू देख सकते हैं बस की। अगली जर्नी किसकी चाहिए कमेंट करके आप जरूर बोलिएगा, और आपको डिजिटली हर जगह मैं घुमाने की कोशिश करूँगा। घर पे बैठिए, हेडफोन लगाइए और मेरे साथ जुड़ जाइए। शाम के टाइम में व्यू बहुत खूबसूरत आने वाला है, तो चलिए आपको व्यू दिखाते हैं। जब तक बस ढाबे पे नहीं रुकती है होटल में, तब तक बिस्किट इंजॉय कर रहे हैं हम। तो गाइस आ गए हम फर्स्ट होल्ड पे। तो गाइस इस बस के फर्स्ट होल्ड पे आ गए, करीब हम 9:30 हो रहा है। तो जल्दी जल्दी पहले वॉशरूम करते हैं, फिर कुछ खाते हैं, तो आपको बताते हैं। तो चलिए रुकते हैं। तो गाइस वेज बिरयानी और मसाला पापड़ मंगाए हैं, तो चलिए टेस्ट करके बताएंगे कैसा है। ये हल्का फूड एक बाइट लेते हैं इसका, कैसा है। तो टेस्ट के तो भाई टेस्ट एक नंबर है। फटाफट खाते हैं, फिर इस बस के बारे में भी और डिटेल से बात करते हैं। जल्दी जल्दी खाना पड़ता है, झांस है। चलिए खाते, फिनिश करते हैं ये सबको।
फाफड़ा जलेबी ले लिए, गुजरात का फेमस, तो इसको भी खाते हैं, फिर ख़त्म करते हैं, मिलते फिर आपको आगे। ये बस देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है, रुकिए इधर। इस बस के बारे में कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। बात करूँ जिग बस की, तो जिग बस का एक खुद का एक ऐप है, वहाँ पे आप बस की लाइव ट्रैकिंग, बस कहाँ पे है और पूरी आइटनरी, मतलब बस कहाँ कहाँ रुकने वाली है, सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। तो ये बस बाकियों बस से मेरे को इसलिए अच्छा लगता है कि इसका सब लाइव ट्रैकिंग भी आपको दिखाते हैं इधर। तो टाइम लगभग हो चुका है, तो चलिए चलते अंदर, और बाकी खाना भी खा लिया, वाटर बोतल भी कर दिया, तो अभी सीधा ऑन बोर्ड होते हैं बस में। चलिए बस में अंदर चलते हैं, फिर आपको अब डायरेक्ट होते हैं, फिर मिलते हैं आगे। बाकी रात को करीब 10 बजे ब्लॉगिंग करने का भाई मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए हमारे बस का ऑरन हो चुका है, बाकी ये जिग बस आ चुकी है, देखे। और ये है नेशनल हाईवे, अब हम गुजरात में एंटर हो चुके हैं। उसके बाजू में है नॉन स्लीपर, अभी हमारी बस रात को कितनी खूबसूरत है ये देख सकते हैं। चलिए फिर चलते हैं अंदर। सुबह सभी अहमदाबाद आ चुके हैं करीब 11 बजे। इधर से करीब 3 घंटे है, 3-4 घंटे सूरत का। चलिए डायरेक्ट सूरत में मिलते हैं आपको। ये अहमदाबाद सिटी, तो वैसे हम वापस आ चुके हैं नाइट के भी राइड पे। अभी रात के करीब 12:30 बज रहा है और अब हम फिलहाल भरूच के आसपास से करीब 2 घंटे में हम सूरत पहुंच जाएंगे। तो चलिए एंजॉय करते हैं केबिन राइड। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कड़ोदरा अपने डेस्टिनेशन,
सूरत। तो बात करूँ जर्नी की तो बहुत कंफर्टेबल जर्नी थी। तो इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपने अपने परिवार का ख्याल रखें, और हाँ प्यार करता हूँ आपसे। गुड बाय।